मध्य प्रदेश के 5 सांसदों ने विधायक बनने के लिए सांसद पद को छोड़ दिया है, यानी इस्तीफा दे दिया है। अब ये 5 सांसद कौन से हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जबलपुर से। तो जबलपुर में आते हैं राकेश सिंह सिंह, और राकेश सिंह को जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट से लगभग 95,000 वोटों से वो जीते थे अपने विपक्ष से। फिर आते हैं प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र तोमर, और फिर आते हैं उदय प्रताप सिंह, और आखिरी में सांसद महिला आती हैं रीति पाठक। और इन 5 सांसदों में से मैं आपको बता दूं कि जो 2 सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अब यही हालात जो है राजस्थान के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, जहां पर कुल मिलाकर 8 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने सांसद का पद छोड़कर विधायक बनने का फैसला ले लिया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में इस बात की बहुत जद्दोजहद है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। तो मुख्यमंत्री के लिए मैं आपको बता दूं कि 4 प्रबल दावेदार हैं, जिसमें पहले आते हैं शिवराज सिंह चौहान, फिर आते हैं प्रहलाद सिंह पटेल, फिर आते हैं कैलाश विजयवर्गीय, और आखिरी में आते हैं मध्य प्रदेश के ही वीडी शर्मा। फिलहाल आप जो है किस मुख्यमंत्री के पद पर किस दावेदार को देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो उन 4 दावेदारों तक पहुंचने वाली है। इसके साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किन सांसदों ने अपने सांसदीय पद को छोड़ा है, उसकी उन सभी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और कौन जो है मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है इस बात का फैसला हो जाएगा।